अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, भी ठीक होंगे। तो आज जैसे कि आपको पता है कि ईद बकरीद निकली है, तो हमें ज्यादा अपनाओं की फरमाइश की जाती है कि आप भी जैसे पुलाव बनाती थी वैसे आप बनाओ। और मैंने कहा चले मैं आप सबके लिए भी तो बनाना है, तो मैं आपके यूट्यूब फैमिली के लिए भी के लिए भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए आइए फिर आपको मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ, आप बनाइए और आइए चले आइए आप लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपको नाजरीन ये है गोश्त और ये चिकना चिकना, क्योंकि पुलाव के लिए चिकना गोश्त बहुत अच्छा लगता है। और मैंने गोश्त में मुनासिब सा पानी डाला है और साथ दो बड़े बड़े प्याज डाले हैं इसमें, और अब इसमें नमक भी डाल दिया मैंने, और लहसुन अदरक का पेस्ट, मतलब कि लहसुन अदरक और कुछ लौंग के पीस डाल दिए मैंने, ठीक है। और अब इसकी बनाऊंगी मैं पोटली, और पोटली को प्रेशर, मतलब कि गोश्त के अंदर रख कर प्रेशर कर दूंगी कि अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं, फिर बाकी मैं अभी आपको ये जो बॉईल हो जाएगा गोश्त, इसकी यखनी बन जाएगी, तो मैं आपको बाकी मसाला भूनना और चावल डाल के। ये देखें जी ये यखनी तैयार हो गई है, 20 से 25 मिनट मैंने प्रेशर लगाया था। और अब हम ये देखें ये हमने ऑयल डाल दिया है, डाला हमने प्याज, प्याज को करेंगे लाइट सा ब्राउन, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और वो टमाटर है, और थोड़ा सा दही डालेंगे साथ, तो इसे अच्छी तरह भूनेंगे हम। इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, लहसुन अदरक के पेस्ट में जाहिर वो उसके साथ लगा हुआ। हाँ ये चम्मच से निकाल दिया अच्छे से, खुशबू बहुत मजे की आ रही है। ये बहुत सिंपल सा पुलाव है जो वालों को बहुत पसंद है मेरे हाथ का। आपको भी बहुत पसंद आएगा और आप ट्राई भी कीजिएगा। जी ये इसमें अब मैं डालूंगी जीरा है और साथ थोड़ा सा बादियान के फूल फूल हैं, और साथ दालचीनी है, साबुत धनिया है, ये अब हम इसमें डाल देंगे। तो ये लें जी ये डाल दिया इसके अंदर, और अब इसके साथ ही हम डाल देंगे 2 से 3 टमाटर, और ये देखें अब ये दही डालेंगे हम थोड़ा सा इसमें, 1 प्याली तकरीबन 1 प्याली हमने दही डाल दिए, इसे अच्छे से हम भूनेंगे। ये जो है नीचे लगे ना दही और टमाटर डालने से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मसाले को पहले अच्छे से भून के फिर दही और टमाटर डाल दिया हमने, ये काली मिर्च का 1 चम्मच पाउडर डाला है, और बस क्योंकि ज्यादा फिर तीखा हो जाता है, और क्योंकि चावलों के तरीके से मुनासिब तरीके से जो जितने चावल है उसके तरीके से हमने ये मिर्चियां डाली हैं, और दही को डाल के तो हल्की आंच पे रख दें। नमक 1 चम्मच डाल दिया क्योंकि हमने पहले से भी यखनी में डाला हुआ है नमक, हल्की आंच पे तो भूनेंगे, तो फिर दही डाला हुआ है तो तेज आंच पे दही को पकाएं तो वो फट जाता है और जायका भी नहीं आता अच्छे से। तो लाइट से हल्की आंच पे हमने ये पकाया है।
ये देखें जी मसाला भुन गया। अब इसके अंदर हम जो यखनी सारी मैंने निकाल ली है और सारी यखनी निकाली, अब इसमें हम सिर्फ गोश्त को ऐड कर देंगे और इसको भी थोड़ी सी भुनाई देंगे अच्छे से ना, ये मसाला इसमें रच जाए, मिक्स हो जाए मसाला, इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा मसाला, टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसको हम देंगे अच्छे से भुनाई, फिर इसमें जो हमने यखनी निकाली है वो यखनी इसमें ऐड करके और इसमें डाल देंगे फिर हम चावल। ये देखें जी ये मसाला गोश्त को अच्छी तरह भून लिया है। अब हमने जैसे चावल जैसे नापे थे अब उसके तरीके से हम डालेंगे पानी। चलें जी यखनी हमने इसमें डाल दी है, अच्छे से एक एक बॉईल हो जाएगी एक दफा में और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे चावल। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है, ये लाइट सा कलर है और बड़ा मजे का बनता है ये पुलाव। ये देखें जी अब ये लास्ट पे हम डाल लेंगे इसमें सूखा धनिया, क्योंकि ये पहले डाल दो तो फिर कलर ब्राउन हो जाता है चावलों का, थोड़ा सा हाथ के साथ मस लेंगे और फिर ये चावलों में डाल देंगे। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है फ्रेश फ्रेश धनिये की। ये देखें जी ये बॉइल होना शुरू हो गए हैं, अब इसमें हम डाल देंगे चावल। ये देखें जी आज पूरी फैमिली हमारी बहन भाई सारे इकट्ठे हुए हैं, मैंने कहा चले इनके लिए पुलाव बनाना है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि कैसे सिंपल सा पुलाव बनाया जाता है। ये देखें जी ये मेरी अम्मी की रेसिपी है जैसे कि मैं बनाती हूँ अपनी अम्मी के रेसिपी के की तरह बनाती हूँ। अब ये देखें ये चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अब ढक देंगे अब, ठीक है जी। ये तो अब पानी खुश्क हो गया, अब इनको चावलों को लगाएंगे हम दम, क्योंकि दम में चावल आपको पता है बहुत मजे के बनते हैं और चावल खिलते भी हैं और लंबे लंबे भी होते हैं। ये देखें जी अब अच्छे से इसे दम लगाएंगे, हल्की आंच कर देंगे चूल्हे की, तो इसे 15 से 20 मिनट तकरीबन 15 से 20 मिनट का दम लगाएंगे, फिर देखिएगा कितना मजे के ये पुलाव बना हुआ आपको। ये देखेंगे दम अब उठाएंगे आपसे 25 मिनट हो गए इसको दम लगाए, ये देखें कितने निखरे निखरे चावल बन गए हैं। हम आराम आराम से जरा करेंगे साइड चेंज करेंगे, नीचे वाले चावल ऊपर और ऊपर वाले नीचे, चावल टूटे भी ना। और बनाए तो मैंने है पर खुशबू बहुत अच्छी लग रही है इसकी, मुंह में पानी में आ गया है। ये पुलाव जो की ये जो पुलाव की रेसिपी है ना ये मेरी अम्मी इस तरह बनाती थी, ये मेरी अम्मी के हाथों की उनकी रेसिपी है जो बहुत अच्छे बनाती थी, मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं चावल, ये देखिए खिले खिले अच्छे लग रहे हैं। अब हम करेंगे 5 मिनट रखते हैं, अब डालेंगे हम डिश में डालते हैं फिर मिलके खाएंगे।